नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। जैसा कि आपको शुरू से बता रहे थे कि जिस टाइप का क्वेश्चन और जिस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है 7 तारीख के एग्जाम में, वैसा ही प्रश्न और वैसा ही टॉपिक और वैसा ही चैप्टर में पूरे एग्जाम आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसा ही हुआ। आज 11 तारीख को परीक्षा हुआ, जिसमें लगभग सेम जैसा 7 तारीख को पूछा गया था, सेम 11 तारीख को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जिस टाइप से, जैसे कि अगर उत्तक से बात आई, प्रश्न आया तो उत्तक से आज भी आया। ठीक है, तो यानी कि जिस टॉपिक से जिस टाइप के प्रश्न आए, सेम वैसे ही लगभग आपको 11 तारीख के एग्जाम में भी प्रश्न आया है। ठीक है, इसलिए आप इसी पैटर्न पे अभी तैयारी कीजिए। ठीक है, कि जैसा प्रश्न जहाँ से जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है, जो टॉपिक है उस टॉपिक से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सब स्टडी करिए, और जिस टाइप का करंट अफेयर पूछा जा रहा है उस टाइप का क्वेश्चन को पढ़िए। मतलब पूरी की पूरी आपका क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि 7 तारीख के एग्जाम में आया, वो सेम रिपीट हो चुका है 11 तारीख के एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखते हुए आपके लिए टॉप जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसका हम सीरीज चला रहे हैं, और उस सीरीज में से आप चेक करिए जाकर, जो वीडियो हम डाल रहे हैं 3-4 दिन का जो वीडियो है उसको जाकर देखिए, वहाँ से कि कई क्वेश्चन जो कि आज 11 तारीख के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ट्रेंडिंग जो टॉपिक है उसको आप देखते रहिए, वहाँ से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप खुद प्रूफ के रूप में देख सकते हैं जाकर, आज का एग्जाम जो हुआ उसमें जो क्वेश्चन आया उसमें देखिए, 3-4 दिन का वीडियो देखिए, आपको आपको मिलेगा कि बहुत सारा प्रश्न आपको पढ़ाया गया। एक तो क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऐसे जो कल पढ़ाए क्वेश्चन आए, जैसे कि संसद के बारे में पढ़ाए थे, बंगाल की संसद का कल वीडियो डाले थे और आज बांग्लादेश की संसद का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसी सीरीज में ट्रेंडिंग टॉपिक में आपका आज लेकर आए करेंट अफेयर। करेंट अफेयर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ जहाँ से पूछा जा रहा है वहाँ से आपको सिस्टमेटिक ढंग से सजा कर लाए हैं, और ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसका करेंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप यहाँ से देखिए, निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। और यहाँ से जैसे शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। आज पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, तो इसका नोबेल पुरस्कार 2023 का है, सबका आप याद भी किए होंगे, एक बार यहाँ पर क्यों रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो दो लोगों को मिला है ना, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को मिला है, काटालिन कारिको, है ना, काटालिन कारिको ये रहेगा, तो कारिको पे ध्यान देना है, काटालिन कारिको और ड्रू बेसमैन को मिला। ठीक है, दो लोगों को मिला है, काटालिन कारिको और ड्रू बेसमैन को ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान रखना है, चिकित्सा का दो लोगों का, काटालिन कारिको और ड्रू बेसमैन को मिला है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। ठीक है, 2023 का ही ये सभी, तो 2023 का ही नोबेल पुरस्कार पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है भौतिकी में 3 लोगों को मिला है, कौन कौन है, पियरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज और एनी एल ह्यूलियर। तो कौन कौन सा है फिर से समझिए, अगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज और ह्यूलियर, पियरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज और ह्यूलियर, ये 3 लोगों को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। रसायन में भी 3 लोगों को मिला। ठीक है, रसायन में 3 लोगों को किस किस को मिला है, तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2023 जो है 3 लोगों को मिला है, एक है मोंगी जी बोबेंडी, मोंगी जी बोबेंडी, लुइस ई ब्रूस, है ना, बोबेंडी ब्रूस, दो हो गया, और एक है आपका अलेक्सी आई एकीमो, है ना, अलेक्सी आई अकीमो, तो ये 3 लोगों को आपका मिला किसमें, तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में मिला है, बोबेंडी ब्रूस और अकीमोबो, अकीमो कहीं देगा या तो अकीमो वो देता है। ठीक है, ये 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन फोसे को मिला है। इसे याद ऐसे रख लीजिए, जैसे कि साहित्य वो इतना अच्छा लिखा कि लोग उसको पढ़ते पढ़ते उसमें, मतलब इतना अच्छा लगा पढ़ने में, वो फंस गया उसी में। ठीक है, जॉन फोसे साहित्य इतना अच्छा लिखा कि लोग उसमें, सभी पढ़ने वाले उसी में फंस गए, यानी फोसे, जॉन फोसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार जब भी आए दिमाग में आ जाएगा तुरंत, जॉन फोसे। नोबेल का शांति पुरस्कार पूछा था आपको, करेंट अफेयर जब पढ़ा रहे थे या तो सेट मनवाते थे उसमें आपको बताए थे कि कितना आसान से आपको, जैसे देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि नोबेल का शांति जो है ना आपको पढ़ाए थे, इसका नरगिस मोहम्मद ने आपको बताए थे कि नाग को शांत रहने दो, है ना, नाग को शांत रहने दो, यानी कि नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो नाग या नाग को, यानी नरगिस, है ना, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और आपका आर्थिक जो है, जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला है ये भी आपको कई बार आसानी से याद करवाए होंगे, जो
वीडियो लगातार देख रहे हैं वो निश्चित रूप से इसको सही करके आए होंगे। इसको याद आप ऐसे करवाए थे कि अर्थ आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, यानी कि आपका अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग रहेगा जब आपके पास गोल्ड रहेगा, यानी कि आपके पास अगर गोल्ड है तो आपका अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग है, यानी कि गोल्ड से यहाँ रिलेट करवाए थे गोल्डिन, है ना। तो क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये नोबेल पुरस्कार की बात हो गई, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछना स्टार्ट हुआ है। आज पहला क्वेश्चन आया है, पूरे क्वेश्चन आपके पूरे एग्जाम तक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसको आए तो भूलना नहीं है, ठीक है। एक बार फिर रिविजन करवा देते हैं, जो चिकित्सा में दो लोगों को मिला, कातालिन कारिको और बेसमैन को, डू बेसमैन, ठीक है। और फिजिक्स में मिला तीन लोगों को, अगोस्तिनी, फेरेंक राउज और ह्यूलियर को। और रसायन विज्ञान में किसको मिला, बोबेंडी, ब्रूस और एक है आपका एकिमोबो, है ना, यानी कि अलेक्सी आई एकिमोबो। और साहित्य का यानी कि साहित्य में फंस गया, और शांति नाग को शांत रहने दो, ये नरगिस मोहम्मदी। और क्लाउडिया गोल्डिन, यानी अर्थव्यवस्था गोल्ड आपके पास है तो आपका अर्थशास्त्र आपका स्ट्रॉन्ग है। तो ये हुई साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 का सब समाप्त, ठीक है। अब दो प्रश्न यहाँ ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछना अभी बाकी है। आपको पूछा जाएगा कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता, तो मिस वर्ल्ड 2024 के भी जीता है क्रिस्टीना पिस्कोवा। कौन है, तो क्रिस्टीना पिस्कोवा है, और ये किस देश की है, चेक गणराज्य की है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो मिस वर्ल्ड विजेता है क्रिस्टीना पिस्कोवा, ये किस देश की है, तो ये चेक गणराज्य की है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मिस यूनिवर्स 2023, क्योंकि 2024 का भी मिस यूनिवर्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स 2023 का ही पूछा जाएगा, तो ये 72वां संस्करण था। मिस यूनिवर्स 2023 का विजेता कौन है, सेनिस पलासियोस, सेनिस पलासियोस, ये निकारा गोवा की है। तो मिस यूनिवर्स पलासियोस, मिस यूनिवर्स सेनिस पलासियोस, और मिस वर्ल्ड जो है वो है क्रिस्टीना पिस्कोवा है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है साहित्य का नोबेल, साहित्य का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसमें चार याद रखना है। कौन कौन सा, अंग्रेजी में किसे मिला, नील शरण गौर को मिला है। किस उपन्यास के मिला है, रेक्यूम इन रागी जानकी उपन्यास के लिए अंग्रेजी का साहित्य का पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है किसको, नीलम शरण गौर को मिला है। हिंदी का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो संजीव को मिला है। इसका उपन्यास क्या है, मुझे पहचानो। तो यहाँ दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है जैसे किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो संजीव को मिला, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, तो संजीव है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मैथिली में किसको मिला है, तो वासुकीनाथ झा को मिला, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आज ही 11 तारीख का एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, करेंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन आए आज। एक आपका शांति का नोबेल पुरस्कार आया था, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ जहाँ ये पूरे लिस्ट से यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा आया है, इसलिए जितने ये पढ़ा रहे हैं ये PDF को आपको रट जाना है, एक भी नहीं छोड़ना है। कुछ करेंट अफेयर और भी है जो कि हम कल के वीडियो में भी लाएंगे, ठीक है। वो जो बाकी जो रहेगा करेंट अफेयर वो कल में वीडियो में लाएंगे, इसमें है अब थोड़ा सा जो बचा है वो कल के वीडियो में, फिर या तो शाम को ही वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो साहित्य जो है क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का किसे मिला है, तो हिंदी में मिला है संजीव को मिला है, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए मिला है, ठीक है। मैथिली का इसलिए पूछ लिया गया, तो खास करके ये बिहार का है, और आपसे अगला पूछा जाएगा हिंदी वाला जो पूछा जाएगा कि मुझे पहचानो उपन्यास के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो संजीव को दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये पूछ सकता है कि वासुकीनाथ जो है ये मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है ये किस निबंध के लिए मिला है, तो बोध संकेतन के लिए मिला, ठीक है। मैथिली में वासुकीनाथ को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है, ये बोध संकेतन निबंध के लिए मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक असमिया वाला याद रख लीजिए, असमिया के क्षेत्र में किसे मिला, प्रणब ज्योति डेका को मिला। इनका कहानी है डॉक्टर प्रणब ज्योति डेकर श्रेष्ठ गल्प, ठीक है। तो असमिया में मिला किसको, प्रणब ज्योति डेका को मिला है, ठीक है। तो एक बार फिर रिवीजन करिए इसको, तो अंग्रेजी में मिला है नीलम शरण गौर को मिला है, उपन्यास का नाम है रेक्यूम इन रागा जानकी, मुझे पहचानो उपन्यास किसका है, तो संजीव का है, और मुझे पहचानो उपन्यास के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और बोध संकेतन के लेखक कौन है, बासुकीनाथ झा है,
और बासुकीनाथ झा को मैथिली का ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और असमिया में मिला है प्रणव ज्योति डेका को मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका कौन फिल्म पुरस्कार, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इससे इससे जो भी प्रश्न है सब यहाँ पर याद रख लेंगे। ठीक है, तो 77वां चल रहा है, कौन फिल्म पुरस्कार 2024 हुआ था, और इसके जो महत्वपूर्ण है इसमें तीन चार क्वेश्चन जो आता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ये चार महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा था, तो अनोरा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जो कि सीन बेकर है ना, सीन बेकर के तो पामे डी और पुरस्कार जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे मिला है, तो अनोरा को मिला है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है किसको, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है जेसी पलेमंस को मिला है। ठीक है, जेसी पलेमंस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ये है जेसी पलेमंस, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो मिला है अनसुईया सेन गुप्ता को मिला है। ठीक है, अनसुईया सेन गुप्ता जो कि भारतीय है, अनसुईया सेन गुप्ता इनको कौन सा पुरस्कार है, तो ये कौन फिल्म पुरस्कार 2024 इसे मिला है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का है, कौन फिल्म किसका, जेसी पलेमंस को, और अभिनेत्री में अनसुईया सेन गुप्ता को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें कौन फिल्म में 2024 का अवार्ड किसे मिला, तो मिगुएल गोम्स को मिला है, किसको, मिगुएल गोम्स को मिला है। और एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि भारतीय कलाकार अनसुईया सेन गुप्ता को फिल्म जो है ये द सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, जबकि पायल कपाड़िया निर्देशित भारतीय फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर क्या है मेन चीज़ें कि भारतीय कलाकार अनसुईया सेन गुप्ता को ने द सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का कौन सा जो पुरस्कार है 2024 है ये फिल्म, कौन सा फिल्म पुरस्कार ये किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में ये अनसुईया सेन गुप्ता को मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका ओस्कर अवार्ड, ओस्कर अवार्ड से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इसके पाँच छः जो क्वेश्चन है यहाँ पर याद रख लेना है ओस्कर अवार्ड से। ठीक है, ओस्कर अवार्ड जो है पुरस्कार 2024, तो ओस्कर पुरस्कार 2024 जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है ओस्कर अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला ओपेनहाइमर को मिला है। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं, अगर एग्जाम में आए किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए कि ओस्कर अवार्ड 2024 जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो ओपेनहाइमर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पूछे तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है ऑस्कर अवार्ड में क्रिस्टोफर नोलन को मिला है ना, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन को मिला है, और ओपेनहाइमर फिल्म के लिए ही मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म अभिनेता जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है ये क्रिस्टोफर नोलन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है किलियन मर्फी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, बिहार टीचर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है किलियन मर्फी को मिला है, ओपेनहाइमर फिल्म के लिए मिला है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में एमा स्टोन मिला है। ठीक है, एमा स्टोन को मिला है, ये पुअर थिंग्स फिल्म के लिए मिला है। ठीक है, तो याद रखना क्या क्या, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गया ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, और हीरो में है किलियन मर्फी, हीरोइन में है एमा स्टोन है। ठीक है, और ये भी याद रख लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम रहता है, ज़्यादा अलग अलग डेट में रहता है, पंच डेट में, तो फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे भी चला जाता है। ठीक है, यहाँ से भी पूछने लगता है। ठीक है, तो याद रखना है। और आपका क्या है, सबसे बड़ी बात है कि सेट भी अलग अलग है, यानी कि यूँ समझिए कि आप एक प्रकार का शिफ्ट ही समझिए, तीन जैसे तीन शिफ्ट में पहले एग्जाम अगर होता था किसी भी रेलवे का, NTPCR का, यानी कि तीन पेपर आता था। अब क्या है कि इसमें जोन वाइज बांट दिया गया, तो छः छः पेपर आ रहा है। ठीक है, तो छः जोन में बांटा गया पूरे बिहार को, तो छः पेपर आ रहा है, तो उसमें क्या सभी प्रश्न आपके आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपको याद रख लेना है, एक तो चारों याद रखना है आपको, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है जो डायरेक्टर होता है क्रिस्टोफर नोलन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन है। अब ये भी ध्यान रख लेना कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 किसे मिला है, तो 20 डेज इन मारियूपोल को मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए किसे मिला है, तो बॉबी के सॉन्ग है व्हाइट वॉच
आई मेड फॉर, है ना, वाइट वाज आई मेड फॉर को ये बेस्ट सॉन्ग के लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पुरस्कार मिला ऑस्कर अवार्ड 2024। ठीक है, तो एक बार फिर इसको रिवीजन भी कर लेते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में याद भी करना है आपको, क्योंकि आगे फिर दोबारा देखने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, है ना। फिर नए 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 वीडियो जो है, नए नए जो जो टॉपिक है वो आपको लाते रहेंगे, उसको देखते रहिएगा। ठीक है, तो इसी वीडियो में इसको याद भी कर लेना है। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछे तो ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ हीरो जो निर्देशक जो डायरेक्टर पूछे तो क्रिस्टोफर नोलन, सर्वश्रेष्ठ हीरो किलियन मर्फी और हीरोइन में है एमा स्टोन है। ठीक है, अब बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए तो ये 20 डेज इन मारी यूपोल को मिला है। अब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए कौन है, व्हाइट वाज आई मेट फोर। नेक्स्ट है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का इसमें दिया हुआ, क्योंकि 2024 का भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है, तो 2023 का याद रखेंगे। 65वें जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का किसे मिला है, तो कोर्बी रछंद को मिला, ये बांग्लादेश का है। किस लिए मिला है, शिक्षा और गरीबी के लिए है, शिक्षा और गरीबी के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार के मिला है कोर्बी रछंद, बांग्लादेश का है। ठीक है, कोर्बी रछंद है ये बांग्लादेश का, और यूजेनियो लेमोस ये तिमोर लेस्ते ये मिला है, ये इनको मिला है, और ये कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए मिला है। और मरियम कोरोनेल फेरर ये फिलीपींस की है, मरियम कोरोनेल फेरर ये फिलीपींस की है, इनको मिला है युद्ध विवाद सुलझाने के लिए मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण आपका ये भारत का है, इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला है। ठीक है, अच्छा पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन है मालूम, तो वो है आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और डॉक्टर आर रवि कन्नन आर जो है ये भारत के समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए, फिर इसमें मेन चीज़ यही ध्यान रखिए कि रवि कन्नर जो है भारत का है, इनको साहित्य जो ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 2023 मिला है, समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए मिला है। नेक्स्ट है ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये किसको मिला है, एल्बम ऑफ द ईयर ग्रेमी अवार्ड 2024 किसे मिला है, ये मिला है मिड नाइट टेलर स्विफ्ट के लिए, है ना, मिड नाइट को मिला ये। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैड बैंड शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो व्हाइट वाज आई मेड फोर को मिला है। ठीक है, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, फ्लोवर्स माइली साइरस को मिला है। ठीक है, फ्लोवर्स माइली साइरस को मिला है। नेक्स्ट आपका टॉपिक में आता है पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार से याद रखना है, पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे किसे मिला है, तो ये लोक सेवा में मिला है किसको, प्रो पब्लिका को मिला, ये कैलिफोर्निया का। ठीक है, खोजी रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो हन्ना ड्रेयर द न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, हन्ना ड्रेयर को मिला द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये, और इनको खोजी रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर अवार्ड 2024 दिया गया है। संपादकीय लेखन के लिए किसे मिला, डेविड ई हॉफमैन को मिला है, द वाशिंगटन पोस्ट के लिए डेविड ई हॉफमैन को मिला है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में किसको मिला है, तो ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को मिला, क्या, पुलित्जर पुरस्कार 2024। और ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए मिला किसको, एन विसिवले इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसजी ऑडियो स्टाफ को मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए किसको मिला है, राइटर्स समाचार एजेंसी के फोटोग्राफी टीम को मिला है। फीचर ट्रोफोग्राफी के लिए किसे मिला है, एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी टीम को मिला है। नेक्स्ट है 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024। ठीक है, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 किसे किसे मिला याद रख रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है बारहवीं फेल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, तो ये विधु विनोद चोपड़ा को मिला है, यानी बारहवीं फिल्म
जो है 12वें फेल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विनोद चोपड़ा को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रणबीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलिया भट्ट को मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो फिल्म फेयर अवार्ड में याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट को मिला है। नेक्स्ट है 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ना, 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, ओपेन हाइमर को मिला है। ठीक है, ये सेम वही पुरस्कार उसी फिल्म को मिला है जो आपको मिला था किसका, ओस्कर अवार्ड का। ठीक है, ओस्कर अवार्ड 2024 का जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, ओपेन हाइमर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है लिली ग्लेड अस्टोन को मिला है ना, लिली ग्लेड अस्टोन को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ये है सिलियन या तो किलियन मर्फी है। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर का है क्रिस्टोफर नोलन है ना, क्रिस्टोफर नोलन है। और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज ये है कौन सा, किसको मिला है, तो सक्सेशन को मिला। ठीक है, एक बार फिर समझिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री याद रखना है, अभिनेता में कौन, सिलियन मर्फी, जो कि ऑस्कर अवार्ड में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इसे ही मिला था ना, किलियन या तो सिलियन मर्फी एक ही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का है लिली ग्लेड अस्टोन, और बेस्ट डायरेक्टर के लिए क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज में किसको मिला है, तो सक्सेशन को मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2024, यहाँ से भी पूछ याद करके आपको जाना है। ठीक है, जिनका एग्जाम अब आगे है उनके लिए बहुत ही फायदा है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सटीक है आपके लिए सारा टॉपिक लाएंगे, बहुत ही अभी टाइम है, उतने दिन में आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करवा देंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से लड़ेगा। तो आप बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2024, तो पद्म पुरस्कार 2024 क्या है, 25 जनवरी को 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की, यानी 2024 में है कितने व्यक्तियों को, 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 5 पद्म विभूषण है और 17 जो है पद्म भूषण है। ठीक है, 5 और 17 22 और 110 है पद्मश्री अवार्ड है, तो 132 लोगों को मिला है। ठीक है, अच्छा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है, तो पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर पर है पद्म भूषण है, और चौथे नंबर पर है पद्म श्री अवार्ड है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा पद्म जो विभूषण है ये 5 लोगों को मिला है, इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये याद रखना चाहिए हमेशा, और बाकी जो पद्म श्री वाला आएगा तो उसको ऑप्शन छाट के भी मार देंगे। और अगर आप जैसे बिहार का एग्जाम है तो बिहार का जो जिनको जिनको मिला है वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको याद रखना। ठीक है, तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है 5 लोगों को मिला है। ठीक है, 2024 में 5 लोगों को मिला है, किसको किसको मिला, बैजंती माला चिरंजीवी जो हीरो है वो तमिल हीरो उनको मिला है, और एम वेंकैया नायडू को जो कि पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और बिंदेश्वर पाठक को मिला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है याद रखना है, बिंदेश्वर पाठक को मिला है सामाजिक कार्य के लिए है ना, मरणोपरांत इनको मिला है। और पद्मा शून्यमयम है ना, पद्मा शून्यमयम को कला के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, एक बार फिर समझिए पद्म विभूषण, क्योंकि पद्म विभूषण से क्वेश्चन आएगा, तो पद्म विभूषण में कौन कौन है, बैजंती माला जो कि कला के क्षेत्र में मिला है तमिलनाडु के है, चिरंजीवी है ये कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का है, और एम वेंकैया नायडू ये पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के सार्वजनिक मामलों में इसे मिला है। और बिंदेश्वर पाठक को मिला है मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए मिला है। ठीक है, बिंदेश्वर पाठक को भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। और पद्मा शून्यमयम ये कला के क्षेत्र में तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, तमिलनाडु के है ये कला के क्षेत्र में मिला है इनको पद्मा शून्यमयम को मिला है। ये 5 नाम याद रखना है हमेशा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं पद्म भूषण, तो पद्म भूषण में 17 लोगों को मिला है। ठीक है, 17 लोगों को भी याद कर सकते हैं, 17 लोगों में एक है अपना बिहार का है ना, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, ये मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और इसका सब एक बार 17 को देख लेते हैं एक बार सरसरी निगाहों से, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, 17 लोगों को जो मिला है
एम फातिमा बीवी को मिला, देखिए पद्म भूषण पुरस्कार, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा कि इसमें से किसको मिला है और इसमें से किसको नहीं मिला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका नाम याद रखना है आपको, ध्यान एक दो बार देखिएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा, ऑप्शन वन देख के भी छाँट सकते हैं, ठीक है। तो एम फातिमा बीवी को मिला, ठीक है, और होरमुस जी एन कानो को मिला। देखिए फातिमा बीवी, अगर यहाँ पद्म भूषण पुरस्कार मिला है तो फातिमा बीवी से एक निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा कि फातिमा बीवी क्योंकि अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली कौन है, तो फातिमा बीवी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और पहली महिला किसी भी राज्य की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली है वो लीला सेठ है, जो कि हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश पहली महिला है, जो कि हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, लीला सेठ, ठीक है। होरमुस जी एन कामा, ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में ये मिलता है, और ये पत्रकारिता में मिला है, ये महाराष्ट्र का, ठीक है। तो पद्म भूषण पुरस्कार किसको मिला है, होरमुस जी एन कामा को मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, आपको मालूम है फिल्म से रिलेटेड है, बंगाल का है ये कला के क्षेत्र में इनको मिला है, और सीताराम जिंदल को मिला है, यंग लियो को मिला है ना, अश्विन बालचंद मेहता को मिला है, सत्यव्रत मुखर्जी और राम नाइक को मिला है, और तेजस मधुसूदन पटेल को मिला है, और ओलान चेरी राजगोपाल को मिला है, और दत्तात्रेय अम्बादास मयालू उर्फ राज दत्त को मिला है, और तोगदान रिन पोछे है ना इनको भी मिला, और प्यारेलाल शर्मा को मिला है, महाराष्ट्र के है, कला के क्षेत्र से संबंधित है। तो ये तोगदान रिन पोछे है, ये तो मरणोपरांत इनको मिला है, अन्य अध्यात्मवाद लद्दाख का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है आपका कि चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, और ये कहाँ की है, ये बिहार का है, मेडिसिन क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को पद्म भूषण पुरस्कार यानी दूसरा वाला जो है, एक होता है सबसे बड़ा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और सबसे छोटा होता है पद्म श्री अवार्ड, तो पद्म भूषण पुरस्कार इसे दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और उषा उत्थुप है ना, उषा उत्थुप को भी मिला है, ये कला के क्षेत्र से संबंधित है, और ये पश्चिम बंगाल की है। विजयकांत को मिला मरणोपरांत, ये कला से है, तमिलनाडु के है ना, विजयकांत को, और कुंदन व्यास इसको मिला है साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में मिला है, महाराष्ट्र की है, ठीक है। कुंदन व्यास को मिला है महाराष्ट्र का, कुंदन व्यास है ना, ठीक है। तो ये 17 नाम आपको मोटा मोटी ये रिविजन करके रखना है जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, जैसे एम फातिमा बीबी, होरमुस जी एनकामा, मिथुन चक्रवर्ती, सीताराम जिंदल, और यंग लियू, अश्विन वालचंद मेहता, और सत्यव्रत मुखर्जी, राम नाइक, तेजस मधुसूदन पटेल, और ओलान चेरी राजगोपाल, दत्तात्रेय अम्बादास मयालू उर्फ दत्तात्रेय उर्फ राजदत्त जो है, और तोगदान रिनपोछे को मिला है, और प्यारेलाल शर्मा को, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन के क्षेत्र में बिहार का है, और उषा उत्थुप ये कला के क्षेत्र में मिला पश्चिम बंगाल का, विजयकांत ये मरणोपरांत मिला कला के क्षेत्र में, और कुंदन व्यास ये साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में मिला है, महाराष्ट्र के कुंदन व्यास को मिला, ठीक है। अब पद्म श्री अवार्ड जो है ये 110 लोगों को मिला, ठीक है। तो 110 लोगों को तो उतना देखना दिमाग खराब हो जाएगा, तो 110 नहीं देखना है आपको, आपके लिए क्या है छांट कर 5-6 लाए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको जानना बेहद ज़रूरी भी है कि पद्म श्री अवार्ड ये बिहार में किसको मिला, तो ये अशोक कुमार विश्वास को मिला है कला के क्षेत्र में, ठीक है। एक तो यह अशोक कुमार विश्वास ये कला के क्षेत्र में मिला है, और बिहार से ही हैं सुरेंद्र किशोर, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है ना, साहित्य है पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड इसको मिला है बिहार के, ठीक है। और शिवम पासवान और शांति पासवान जो कि पति पत्नी है, ये कला के लिए फेमस थी मधुबनी के, ठीक है। तो ये दोनों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है।
और राम कुमार मलिक इनको किस क्षेत्र में, और राम कुमार मलिक जो है इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये कहाँ के, बिहार के है, राम कुमार मलिक कला के क्षेत्र में है ना, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 गोवा में होगा। कहाँ होगा, तो गोवा में होगा, ये ध्यान रखना है। एक ही क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होगा। ठीक है, तो ये 2023 में गोवा में हुआ था। ठीक है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था, तो गोवा में हुआ था 2023 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो 2024 का भी नहीं मिला, 2023 तक का ही है ना। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का मिला किसको, उर्दू कवि गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे मिला, तो उर्दू कवि गुलजार और ये जो है राम जगत गुरु भद्रा राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य। और है आपका व्यास सम्मान 2023 में किसे दिया गया, तो पुष्पा भारती को दिया गया। यादें 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 पुस्तक के लिए दिया गया है। स्वर्ण सती सम्मान जो है, इस सरस्वती सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 2023 को मिला है 33वां है ना, 33वां साहित्य सम्मान जो है, 33वां जो है सरस्वती सम्मान जो है, 33वां जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रभा वर्मा को मिला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है मेन चीज़ें कि सरस्वती सम्मान 2023 को, 2023 का जो है ये प्रभा वर्मा को मिला है। और 21 के लिए उपन्यास का नाम है रौद्र सात्विकम है ना, रौद्र सात्विकम उपन्यास के लिए दिया गया है। अच्छा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म 2023 का है, ये किसे मिला, तो ये 53वां अवार्ड था, ये मिला है वहीदा रहमान को मिला। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये 2023 का किसे मिला, वहीदा रहमान को मिला है। ठीक है, और एक है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है, तो इसमें याद रखना है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जवान को मिला है, और निर्देशक कौन है, एटली कुमार है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ यानी कि फिल्म का जवान फिल्म को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है जो ये शाहरुख खान का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है रानी मुखर्जी को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी बांगा को मिला है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में ये किसे किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला है जवान को, निर्देशक है एटली कुमार है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता याद रखना है ही जो है शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है रानी मुखर्जी फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे है ना, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रानी मुखर्जी को मिला। ठीक है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संदीप रेड्डी बंगा को मिला है। ठीक है, फिल्म एनिमल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संदीप रेड्डी बंगा को मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर याद रखेंगे वन लाइनर के रूप में, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब। जैसे बिहारी पुरस्कार ये जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 2022 का किसे मिला, 32वां साहित्य पुरस्कार जो है ना, बिहारी पुरस्कार 32वां बिहारी पुरस्कार जो है ये मिला है माधव हाडा को मिला है। पुस्तक का नाम है इनका पचरंग चोल पहाड़ी सखीरे है ना, पुस्तक का नाम है पचरंग चोल पहाड़ सखीरे, पचरंग चोल पहाड़ सखीरे पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये माधव हाडा है ना, माधव हाडा को जिन्हें बिहारी पुरस्कार सम्मान 2022 दिया गया है। नेक्स्ट है कि मूर्ति देवी पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 2019 में, 33वां किसे मिला है, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला। ठीक है, तो मूर्ति देवी पुरस्कार किसे मिला है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है। एबल पुरस्कार किसे मिला है, लुइस कैफरेली अर्जेंटीना अमेरिकी गणितज्ञ को मिला। ठीक है, तो जो है एबल पुरस्कार 2023 से किसे मिला है, लुइस केफ रेली को मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार याद रख लेना है, तो 2023 किसे मिला है, तो डेनियल बरेनबोइम और अली अब्बू अब्बाद को मिला है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 ये किसे मिला है, डेनियल बरेनबोइम
और जो अली अबू अब्बाद को मिला, अली अबू अब्बाद को मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ये बुकर पुरस्कार, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुकर होता है एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर होता है, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार 2023 का जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दोनों दिया जाता है, तो ये किसे मिला? तो बुकर पुरस्कार जो है 2023 का ये पॉल लिंच को मिला, ठीक है। किसे मिला? पॉल लिंच को मिला। और किस उपन्यास के मिला? तो पैगंबर उपन्यास के लिए मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पैगंबर उपन्यास के लेखक अगर पूछे जाए तो कौन है? पॉल लिंच है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आप पॉल लिंच जो है पैगंबर सॉन्ग का ये लेखक हो गया उपन्यास का, ठीक है। और ये बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला? पॉल लिंच को मिला है। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 2024 का किसे मिला है? तो जेनी एपेन बैक एवं माइकल हॉफमैन है ना, ये पुस्तक कैरोस के लिए मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या, बुकर अवार्ड जो है बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को मिला 2023 का, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये 2024 का कैसे मिला है? तो जेनी एपेनबेक एवं माइकल हॉफमैन को, यानी कि पुस्तक कैरोस के लिए मिला है। और फिर आपको यहाँ दोनों ध्यान रखना, पहले एक बार रिविजन कर लेना, बुकर पुरस्कार पॉल लिंच और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये है जेनी एपेनबेक और माइकल हॉफमैन को, ठीक है, यानी कि पुस्तक एरोस के लिए दिया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर और आगे देखते हैं कि 2023 का जॉर्जी गोस्पोडिनोव है ना, जैसे कि 2024 का जो है ये 2024 का भी मिल चुका है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है ना, जेनी एपेन बेक एवं माइकल हॉफमैन को मिला, ठीक है। तो इनका नीचे वाला जो है ये क्वेश्चन ये भी याद रखना है, 2024 का तो है, 2023 का भी याद रखना है। जॉर्जी गोस्पोडिनोव ये किसको मिला है? जो है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को 2023 का जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार मिला है। और ये कहाँ के? बुल्गारिया की है। और उपन्यास का नाम क्या है? टाइम सेल्टर है ना, टाइम सेल्टर उपन्यास के लेखक कौन है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आपको याद रखना क्या, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, ठीक है। तो 2023 किसे मिला? संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन है ना, मिजोरम को मिला, ठीक है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो है संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है, ठीक है। तो ये दोनों संस्था को मिला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 को मिला, ठीक है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो है पुरस्कार 2024 भी आ गया है, तो ये किसको मिला है? तो संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को मिला, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 किसे मिल गया? तो संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट है कि कृषि नेतृत्व सर जो है कृषि नेतृत्व पुरस्कार द्वारा 2024 बागवानी में, ठीक है। तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये नागालैंड राज्य को मिला और ये बागवानी के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये पुरस्कार किसे मिला, ठीक है। यहाँ नाम दे दिया गया है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, तो ये पुरस्कार किसे मिला? रोशनी नादर को मिला, ठीक है। ये HCL टेक की अध्यक्ष है, रोशनी नादर को मिला है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ये किसे मिला है? तो ये रोशनी नादर को मिला था। नेक्स्ट है
कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? देखिए वहाँ भी था फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो इस बार क्या है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? तो ये शशि थरूर को ही दिया गया, ठीक है। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? तो शशि थरूर को दिया गया। रूस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। और भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी नरेंद्र मोदी को मिला है। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 ये किसे दिया गया? तो ये महाराष्ट्र राज्य को मिला है ना, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 ये महाराष्ट्र को मिला है। और पेन प्रिंटर कागज जो है, पेन प्रिंटर पुरस्कार ये 2024 ये किसे मिला? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 ये अरुंधति राय को मिला है, ठीक है। तो ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है, अगर एग्जाम में आ जाए तो छूट नहीं चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 किसे मिला? महाराष्ट्र को। और पेन प्रिंटर जो है पुरस्कार 2024 जो है ये मिला कि इनको? अरुंधति राय को मिला है, ठीक है। ये सभी ध्यान रखना है। तो आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर जो है ये अगले वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।